हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोकैड में कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। हम लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कई लोग तो सोच रहे हो कि क्या सर आप क्या बात करते हो, मुझे तो पूरा ऑटोकैड आता है। और ऐसे ही करके जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहां से रिजेक्ट होकर आते हो तो फिर बोलते यार पूरा तो आता था, फिर भी ऑटोकैड पे रिजेक्ट कर दिया क्यों। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों। ऑटोकैड का मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइन पॉलीलाइन सर्किल कमांड आ गई तो आपको ऑटोकैड आ गया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे एरे और मूव कमांड और कॉपी और पेस्ट भी आता है। नहीं, उतना सफिशिएंट नहीं है ऑटोकैड को सीखने के लिए। ऑटोकैड का जो कोर्स होता है एक्चुअली वो 2 महीने का कोर्स होता है। आप सब क्या उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन में सीख लेते हो, उतने से नहीं होता ऑटोकैड। ऑटोकैड में क्या क्या होता है आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटोकैड का मतलब होता है कि एक बंदा ऐसा है जो अभी ड्राफ्टमैन के जॉब के लिए तैयार हो चुका है, या स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के लिए तैयार हो चुका है। उसको दोनों हो सकता आता हो, कुछ लोगों को आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन और स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन दोनों आता है उनको। तो इनको तैयार होने के लिए मतलब ये जॉब करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। क्या आपने सुना है कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में? आप बोलो कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑटोकैड में क्या काम? भाई साहब बहुत ज्यादा काम है। आपको लाइन की थिकनेस कितनी देनी है, सेक्शन लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये कैसे समझोगे? ब्रेक लाइन को कहां यूज करना है कैसे समझोगे? जब तक आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आएगा आपको ऑटोकैड सीखना किसी मतलब का नहीं है। आपको सबसे पहला काम इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे तरीके से, उसकी एक मैंने पीपीटी बनाई थी अभी पीछे, कंप्लीट नहीं था क्योंकि आपको एक पीपीटी में इंजीनियरिंग खत्म नहीं हो सकता है, कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्कस कर लिए थे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑटोकैड सीखने वाले के लिए। उसके बाद जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बिल्डिंग बाय लॉ। आप बोलोगे सर ऑटोकैड सीखने जा रहा हूं कि बिल्डिंग बाय लॉ सीखने जा रहा हूं? भाई साहब सिर्फ ऑटोकैड सीखने से कुछ नहीं होगा, ऑटोकैड एक कैलकुलेटर है। लेकिन आपको मार्जिन कितना छोड़ना है, साइड से कितना छोड़ना है, फ्रंट से कितना छोड़ना है, बैक से, कैसे समझोगे? वो तब समझ पाओगे जब आपको बिल्डिंग बाय लॉ का आपको आइडिया होगा, कौन सी सिटी का क्या बिल्डिंग बाय लॉ है। आप अभी इंटरनेट पे जाइए, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था बिल्डिंग बाय लॉ पे, उसको पढ़ लीजिए, पीपीटी मैंने उसमें दिया था। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे आई बटन पे उसको मैं लगवा दे रहा हूँ तो आप वहां से देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आप अपने सिटी का डाउनलोड करो कि मैं इस सिटी में हूँ, यहाँ का बिल्डिंग बाय लॉ क्या है, इसको समझना जरूरी है। इसके बाद है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कार्पेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया का कोई आइडिया नहीं होता उनको। यार आपको अगर कार्पेट एरिया नहीं पता है, बिल्टअप एरिया नहीं पता है तो प्लानिंग कैसे अच्छी हो सकती है? आप ऑटोकैड तो सीख लिए, उसमें क्या 4x4 और 15x15 का रूम देने से कुछ हो जाता है क्या? नहीं। आपको 4x4 रूम कहाँ देना है, किचन का साइज क्या देना है, बेडरूम का साइज क्या देना है, मास्टर बेडरूम का साइज क्या देना है, ये आपको जरूर सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बिल्डिंग बाय लॉ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको स्टेयर का राइज कितना देना है, स्टेयर का ट्रेड कितना देना है, स्टेयर का विड्थ कितना देना है, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और बिल्डिंग बाय लॉ में। इसके साथ तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट इज रेरा। अभी आपको पता होना चाहिए रेरा जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और रेरा का एक्ट अभी सबको फॉलो करना ही करना है। 19 स्टेट इंडिया में है जिनमें रेरा का रूल फॉलो हो रहा है। मैंने एक रेरा स्पेशल वीडियो बनाया था, उसको भी देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दे रहा हूँ, आपके लिए फायदे की चीज है। तो रेरा आपको पहले क्लियर होना चाहिए। रेरा जैसे ही क्लियर है अब आप आइए ऑटोकैड पे। मैं जब सिखाता हूँ तो मैं इसी तरीके सिखाता हूँ। पहले आपको सबसे पहले मैं आपको अवेयर कराता हूँ किससे, आपको बिल्डिंग बाय लॉ से, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग से, उसके बाद रेरा से, अब ऑटोकैड। ऑटोकैड में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 दिन लगेंगे बेसिक्स कमांड जानने में। बेसिक कमांड के बाद आपको जानना चाहिए ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ब्लॉक एक्चुअली ब्लॉक पे तो एक जॉब होती है ब्लॉक क्रिएटर की। तो आपको डायनेमिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के टाइप समझ में आना चाहिए। इसके बाद लेयर्स, ब्लॉक के बाद जो कोई अगर इंफॉर्मेटिव आपका टॉपिक है दैट इज लेयर, आपको ऑटोकैड में लेयर अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद डायमेंशन। अब डायमेंशन अच्छे से वही सीख सकता है जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्सपीरियंस होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नॉलेज होगा।
और अब आप सोच रहे होंगे सर ये तब तो मैंने सोचा ही नहीं, डायमेंशन तो हम ऐसे दे देते थे, ऐसे नहीं होता। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, जिगजैग कहाँ पे यूज करेंगे, क्विक कमांड कहाँ पे यूज करेंगे, आपको ऑब्लिक्यू डायमेंशन कहाँ यूज करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डायमेंशन एक टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए ऑटोकैड के अंदर। इसके बाद सेक्शन और एलिवेशन। अब आप बोलोगे सेक्शन एलिवेशन तो मैंने सीखा था बट प्लान का नहीं, इससे प्लान का नहीं, फुटिंग का सेक्शन, कॉलम का सेक्शन, बीम का सेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। किस तरीके से फुटिंग, कॉलम और बीम का सेक्शन देते हैं, अगर वो आपको आता है उसके साथ बिल्डिंग का सेक्शन देना आता है, एलिवेशन देना आता है, तब आपको सेक्शन एलिवेशन क्लियर है। अगर इतना आ रहा है, इसके बाद आपको रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करना है ये समझना पड़ेगा। मीन्स हम बीम में अगर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो कितने का देंगे, कॉलम में दे रहे हैं तो कितने का। अब आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रक्चर ड्राइंग से, मतलब स्ट्रक्चर के डाटा से होगा। हाँ स्ट्रक्चर के डाटा से होगा बट बाहर तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, हुक आपको दिखाना पड़ेगा, हुक का एंगल आपको दिखाना पड़ेगा, स्पेसिंग्स आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तब आप सच में जानते हो ऑटोकैड के बारे में। इसके बाद कुछ ऑटोकैड की इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जैसे कि पर्ज कमांड, अनवांटेड फाइल को रिमूव करने के लिए। मैंने बताया था 5 इंपॉर्टेंट कमांड इन ऑटोकैड जिनको आपको जानना ही जानना चाहिए। डाटा एक्सट्रैक्शन बताया था मैंने BOQ के लिए, उसके साथ ही साथ आपको डायनमिक इनपुट, डायनमिक UCS, इन सब छोटी छोटी कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्स डिफरेंस कमांड के बारे में पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन और रे कमांड के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सब नहीं पता है तो सिर्फ आपने कागज की डिग्री ली है भाई साहब, और आप कहीं पे भी जाएंगे वो बंदा आपको रिजेक्ट करेगा। तो ये मैंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं, इनको लिख लीजिए और देख लीजिए कि क्या आपको आता है, और आता है तो आप अप्लाई करिए, जरूर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। अगर ऑटोकैड की वैकेंसी है और इतनी चीजें आपने पढ़ी है, बिलीव करिए मैं गारंटी देता हूं आप वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मुझे ये सब आता है फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको स्पेशल इंटरव्यू लूंगा और आपको सिलेक्शन दिलवा करूंगा, गारंटी देता हूं। लेकिन आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्या क्या, रेरा, बिल्डिंग बाय लॉ, और आपको इंजीनियर ड्राइंग्स और ऑटोकैड, जितना मैंने बताया है इतने सारे टॉपिक्स अच्छे से पता होना चाहिए, यानी लेयर्स, प्लानिंग और सेक्शन एलिवेशन। सेक्शन एलिवेशन हर चीज का, फुटिंग का, बीम का, कॉलम का, प्लान का, सबका सेक्शन एलिवेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद एनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं, इतनी चीजें अगर आपको पता है तो यार कोई भी आपको क्यों नहीं लेगा। आपको सारा कुछ तो आ रहा है, आपको पता है सुपर बिल्टअप एरिया, आपको पता है बिल्टअप एरिया, आपको पता है कारपेट एरिया, आपको पता है लाइन की थिकनेस कितने देते हैं, लेआउट का थिकनेस आपको पता है, टाइटल बॉक्स का साइज कितना देते हैं, आपको सब तो पता है। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो चाहो तो वीडियो को स्लो कर लेना, और अगर ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ तो नीचे कमेंट करना कि सर थोड़ा स्लो बताइए, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा। बट काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप काफ़ी फास्ट बोलते हैं, मेरी आदत है ऐसी। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि ऑटोकैड में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऑटोकैड में अगर इतनी चीज आती हैं आपको, तो आप समझना कि आपको सच में ऑटोकैड आता है, और एक्चुअली इसी को ऑटोकैड बोलते हैं। तो आपने जो सीखा है, मैं नहीं जानता आपने कितना सीखा है, आप जज करो खुद को, आप सोचो कि उसमें कितनी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जल्दी से ऐड कर लो, नहीं तो आप किसी को बोलना मत कि आपको ऑटोकैड आता है। और प्लीज मैं लास्ट में एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ऑटोकैड लिखते कैसे है ये जरूर सीख लेना। ए कैपिटल होता है, UTO स्मॉल होता है, और CAD कैपिटल होता है। बहुत लोग गलत करते हैं ऑटोकैड कैसे लिखा जाता है, रिज्यूमे में ही आप गलत लिख देते हो और फिर बोलते हो सर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। यार जब ऑटोकैड आपको लिखना नहीं आएगा तो आप शॉर्टलिस्ट कैसे हो जाओगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो सकता है। अगर आपको वीडियो में लगा कि नहीं कुछ आपको मिला, मीन्स आपका वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आपको कुछ मिला, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले लाइक करना है। लाइक क्यों करना है, क्योंकि यार हमारा मेहनत है और हमारी मेहनत को आपसे ही जज हम कर सकते हैं अपनी मेहनत को। और दूसरा चीज, अगर आप नए यूजर हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमारे पुराने साथी हैं जो अभी हमसे काफ़ी दिन से जुड़े हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है कि शेयर बटन पर क्लिक करके 10 लोगों को कम से कम शेयर करना, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं सर के लिए मैंने कुछ किया, और मुझे भी अच्छा लगेगा तुम लोग मेरे लिए कर रहे हो यार, तो तुम लोग मेरे लिए करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ डेली लेके आता हूं। इसी तरीके से हम लोग आपस में बने रहेंगे, और साथ ही साथ तुमको तो पता है हमें लगभग सबके कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं, तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप नीचे कमेंट करना। जैसे ही मैं फ्री रहता हूँ, ऑटो में रहता हूँ या कभी कार में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, मैं अपना कमेंट को रिप्लाई करता रहता हूँ, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तो तुम भी मेरे लिए इतना करो कि शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो लोगों को पता चले कि नहीं यूनिक सिविल भी एक ब्रांड है जो ये सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, और शायद इससे आपका फ्यूचर भी बदल सकता है। मेरी यही कोशिश है कि आप यानी सिविल के जितने बच्चे हैं अच्छे जगह जॉब पा जाएँ, और
सिविल का भी एक इंडस्ट्री अलग से, अभी बोलते हैं ना सिविल सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छी जगह कहाँ पे है, दुबई में है, क्यों नहीं इंडिया में है, इसके बारे में सोचना आप। और इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, अगर हम अच्छे हो गए तो इंडिया में हो जाएगी। बुलेट ट्रेन के लिए आप चाइना और जापान से बनाओगे इंजीनियर, क्यों नहीं हम, क्यों नहीं हम, क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है क्या? नहीं यार, नॉलेज तो हमने पढ़ना सिखाया उनको, तो वो हमें आ रहे सिखाने, इसलिए सिखाने आ रहे हैं क्योंकि हम फेसबुक और व्हाट्सएप में ज़्यादा बिजी हो गए और इस इंजीनियरिंग पे ज़्यादा डिमांड हमने नहीं किया, ज़्यादा कोशिश नहीं किया। और हमारे नेताजी लोग तो जयराम जी की बवाली है, उनको तो कोई ध्यान ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, उनके घर के बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, बस उनको यही चाहिए। लेकिन हम अच्छा बन के अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं और अच्छी जगह पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको देख के कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं जितने भी लोग आते हो प्लीज आप कमेंट करके जाया करो, तो मुझे पता रहता है सभी। कभी कभी विकास मुझे, विकास सोनी मुझे रिप्लाई करते रहते हैं, और आप मतलब कि रजत करते रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो करते रहते हैं, विशाल सोनी करते रहते हैं, और काफी लोगों का नाम नहीं याद रहता, बट मुझे पता है कि अच्छा ये डेली कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि आप सब एक दूसरे से जुड़े रहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहो और जुड़ते रहो हमारे साथ।